संविधान जलाने से कोई संविधान जलेगा नहीं, संविधान को जलाने वाला खुद जल जाएगा। लेकिन इसी तरह की साजिश अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान देश की एकता को मजबूत और सर्वधर्म संभव की शिक्षा देता है, और ये संविधान इतना बढ़िया है कि पूरी दुनिया में संविधान की चर्चा है। संविधान के जलाने की हिम्मत कौन कैसा कर सकते हैं? ऐसा माते फिर लोगों ने अगर कुछ किया होगा तो मैं जरूर पुलिस से अपील करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह रजिस्टर करना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, ताकि मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान जलाने की इसकी हिम्मत ना हो, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। सब नाला सोपारा में सनातन संस्था के एक आतंकवादी पकड़ा गया, उसके पास से स्फोटक बरामद किए गए, हर बार आरोप हो रहा है सनातन धर्म के ऊपर, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? अगर कोई पुलिस को कोई प्रूफ मिला होगा और उसको पकड़ा होगा तो उसने कोई मतलब पुलिस ने गलत कदम उठाया ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पुलिस को कोई प्रूफ मिले होंगे सनातन संस्था के तरफ, अगर बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन भी होता है, लेकिन हर सनातनी सनातन संस्था के आदमी को अरेस्ट करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास कोई प्रूफ मिला है और वो राउत नाम के जो व्यक्ति थे तो उनके घर में मतलब जो इसी तरह का जो ऑब्जेक्शनेबल साहित्य मिला है, इसीलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया है। और सनातन का हो या कोई भी हो, अगर इसी तरह का कोई आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने का काम करता होगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश करने की कोशिश करता होगा, तो उनको अरेस्ट करना ही चाहिए और पुलिस ने सही कदम उठाया है। सर, संस्था के ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए कि आपकी